वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोबारा से खेलने जा रहे हैं हम GTA 5। जो पिछले सेशन में हमारी हैकर से बात हुई थी कि रोबरी करनी है, तो हैकर हमारे पास आ चुकी है, तो इससे बात कर लेते हैं। भाई मेरी हैकर से बात हो चुकी है, ये कह रही है कि एयरपोर्ट पे मेरा एक बंदा तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हें सारा प्लान डिस्कस कर देगा कि क्या क्या करना है, और अपनी लैम्बो टायर जो लेके चले जाओ और उसको दे देना, तो वो जो तुम्हारी लैम्बो टायर जो है वो हमारे मतलब मेरे हैकर के घर पे ला के रख देगी। तो चलते हैं जल्दी से उस बंदे के पास। वो कह रही है कि वो बंदा हमें एयरपोर्ट पे जहाँ पे पैसेंजर्स खड़े होते हैं तो वहीं पे मिल जाएगा वो, तो उसको लैम्बो टायर तो दे देना अपनी और कोई मतलब छोटी मोटी कार वहीं से ले लेना और वहाँ पे चले जाना जहाँ पे लोकेशन उन्होंने हमें बताई है। जल्दी चलते हैं अपने लोकेशन के पास जहाँ पे हैं, तो भाई हम पहुँचने वाले हैं शायद। हाँ पहुँचने वाले हैं भाई, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसी शायद राइट लेना है आगे जाके। हाँ भाई हाँ, आगे जाके राइट लेना है। एक तो यार ये लैम्बो टायर तो इतनी तेज चलती है, मतलब स्पीड थोड़ी सी बढ़ाओ, एकदम पूरी स्पीड में पकड़ लेती है अपनी। इसे एनहेंस करवाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे तो फिलहाल कोई बंदा दिख नहीं रहा है, यहीं भी कहा था उसने, शायद आगे भी पैसेंजर्स लिस्ट है। पैसेंजर लिस्ट में जाके देखते हैं आगे कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है। तो यही है भाई, ये वाला ही बंदा है, उसने कहा था कि ब्लू टी शर्ट में आएगा, तो भाई से बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्लान है तुम्हारा भाई, तो हम उस वो करते हैं प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। भाई मेरी इससे बात हो चुकी है, ये कह रहा है कि वहाँ पर कम से कम 8 या 9 बंदे होंगे जिन्हें हमें मारना है, तो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इतने तो हम ऐसे ही मार देंगे, हमें कोई बंदे की जरूरत नहीं है मतलब बॉडी गार्ड वगैरह की कि हमारे साथ प्लान एग्जीक्यूट करें। अब यार किस गलत जगह पकड़ ली मैंने, यहाँ के तो सारे एयरपोर्ट वगैरह के सारे पुलिस वगैरह मेरे पीछे पड़ जाएंगे, आगे जाके मुझे कूदानी पड़ेगी, कार यहीं से कूदा देता हूँ। हाँ यहाँ पे थोड़ी जगह है, यहीं पे कूदा देता हूँ नीचे। वैसे मैं नीचे जाना है, पूरा घुमा के लेके जाना पड़ती है। भाई सेकंड 2 स्टार मेरे पीछे लग चुका है, जल्दी से लेके चलते हैं अपनी कार को। भाई ये मुझे लग रहा है रोकेगा और रोकने, अरे हट मर तू भी। भाई उसने रोकने की कोशिश करी थी पर मैं रोका ही नहीं, मगर तू बोलो हमारे आगे कुछ नहीं है, तू जल्दी चलते हैं भाई। तो वही पहुंचने वाले हैं हम। भाई लोकेशन तो उन्होंने यहीं की दी थी, थोड़ी आगे जाके यहीं पे हमें राइट लेना है। भाई राइट पहले देखते हैं कि बंद क्या सीन है, क्या प्लान है, और नॉर्मली चलेंगे पहले। तो यहाँ से तो फिलहाल भाई कोई बंदा वगैरह नहीं दिख रहा, शायद एक बंदा है। हाँ एक बंदा दिख रहा है भाई, एक बंदे को मार के कोई फ़ायदा नहीं है, फिर उसको साथ सबको मेरी लोकेशन पता चल जाएगी, सब मेरे पास आ जाएंगे मारने के लिए मुझे। इससे अच्छा एक काम करते हैं, नॉर्मली बंदों की तरह आगे जाके उस गैराज के गैराज में चलते हैं, देखते हैं पहले भाई यहीं पे कहीं को रोक के अपनी उनकी लोकेशन देखते हैं पहले कि क्या क्या लोकेशन है उनकी। नहीं नहीं आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, यहीं पे रोक लेते हैं कार, यहीं पे कार रोक के लोकेशन देखते हैं। भाई अब मैंने अपनी राइफल वगैरह उठा लिया अंदर से, देखता हूँ अब जाओ कहाँ पे है बंदे बुरे। भाई एक बंदा ऊपर है और एक बंदा नीचे है, नीचे तो शायद एक बंदा तो भाई साइड में खड़ा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाना पड़ेगा हमें, दूसरे और बंदे भी देखने पड़ेंगे यार। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। भाई एक बंदा और, अरे यार उनको पता चलेगा, उनको पता चलेगा मेरे बारे में, तो दूसरी गन चूज़ करते हैं। भाई मारो भाई मारो मारो सालो, पहले एक बंदा नॉक हो गया भाई, दूसरा बंदा है ये भी नॉक, तीसरा बंदा कार के पीछे वैन के पीछे है, तो पहले इसको मारते हैं, मर मर तू भी नीचे मर। भाई इसके पैर दिख रहे, पैर पे मारते हैं राम राम से। चलो 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 शायद नॉक हो गया, नॉक हो गया, हाँ हो गया नॉक हो गया, नॉक हो गया। और कोई बंदा नहीं है क्या? एक ऊपर है, एक ऊपर है, एक ऊपर है, उसने मारनी शुरू कर दी भाई, खत्म तू भी। चल भाई शायद और बंदा दिख तो रहा नहीं है, पहले एक बार इन सबको देख लेते हैं, कोई कभी जिंदा बच गया हो। यहाँ पे कोई बंदा नहीं है फिलहाल। भाई जल्दी से इन बंदों को ही देख लेते हैं, कभी इन बंदों में से कोई जिंदा बच जाए और बता दे कि माइकल आया था, माइकल ने मार दिया सारे।
भाई साहब क्या कार है भाई, ये ना वो वाली कार है जैसे कि पहले पुराने जमाने में महाराजा वगैरह के पास होती थी ना, दो रेयर कार है। मतलब कार तो रेयर है पर लेकिन मेरे कोई काम की नहीं है, मुझे तो सेल ही करनी पड़ेगी ये वाली कार। इतनी मतलब मैं करूँगा क्या इसका, सजा के तो रखने से रामे से। तो जल्दी से लेके चलते हैं माइकल के घर पे इसको, फाटक खुल चुकी है भाई, तो खोल देते, तोड़ेंगे हम तो, तोड़ेंगे तोड़ेंगे। हट, अगली बार आऊँगा तो खोल दियो भाई। जल्दी चलते हैं लेके इसको अपने घर पे। घर पे हमारे हैकर, जो हैकर मैंने जो मैं मतलब वहीं पे वेट कर रही है, तो हैकर के पास लेके जानी पड़ेगी कार। वो कह रही है कि जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मेरे पास लेके आ जाना, फिर मैं अपने घर पे चली जाऊंगी और तुम फिर अपना दूसरा कोई और दूसरा मिशन देख लेना। पर मैं सोच रहा हूँ कि जो उसने जो दूसरी कार बताई थी ना कि जो घर में कार आने वाली है वो स्पेशल कार, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी चुरा लूँ, मतलब बिना हैकर को बताए उसको भी चुरा लूँ। तो देखते हैं जैसा भी होता है, अगर टाइम से पहुँच गए तो उसको भी चुराने चलेंगे एक बारी को। पहले मतलब लोकेशन वगैरह देखनी पड़ेगी कि कितने बंदे वगैरह हैं। पर अगर भाई जब वो हैकर कह रही है तो कम से कम 20-30 बंदे तो होने चाहिए यार। जल्दी से चलते हैं भाई। अच्छा मैं उल्टा ले आया था, मतलब मैं उल्टा ले आया और उसके बाद दोबारा ऊपर जाना पड़ रहा है मुझे। बस ठीक, दोबारा चलते हैं भाई, जल्दी से भगाओ यार। ये भाग भी तो नहीं रही, 112 113 इतनी इतनी भाग रही है, मतलब पुराने ज़माने में इतनी चलती थी क्या भाई। मुझे पहले इसे गैराज में लेके जाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत इसकी स्पीड बढ़वानी पड़ेगी, स्पीड मीटर थोड़ा मतलब इन्हेंस करवानी पड़ेगी इसकी स्पीड थोड़ी, ये तो वरना कल तक जाएगी। मैं सोच रहा हूँ वो वाली कार भी चुरा लूँ, ये वो वाली कार भी चुराने नहीं देगी। तो भाई जल्दी से जाके इसको थोड़ा मतलब मॉडिफाई वगैरह करवा देते हैं कि ताकि ये थोड़ी बहुत ही तेज़ चले, इसके ब्रेक वगैरह भी थोड़े बहुत तेज़ कर बढ़वा देते हैं मतलब। तो भाई इसका नाम क्या है, कैलस्टम Mark 5 स्पोर्ट क्लासिक। अरे बाबा स्पोर्ट्स तो कार तो कहीं से भी नहीं लगती है वाली। तो अपने जल्दी से लेके चलते हैं इसको अपने घर पे। बहाओ यार, भाई अब भी 130 137 जा रही है यार, इसका क्या फ़ायदा। इससे बड़े तो मैं स्पोर्ट्स कार वगैरह सुपरा वगैरह ले लूँगा यार। एक काम करते हैं कि अभी पहले वो वाली कार देखते हैं, वो वाली कार कौन सी है। अगर वो कोई स्पोर्ट्स कार हुई या SUV कोई बढ़िया सी कार हुई मतलब, तो उसको अपने पास ही रख लेंगे। और ये वाली कार तो भाई मैं सेल ही करूँगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए तो ऐसी चाहिए कि जैसे कि मतलब पुलिस वगैरह से एकदम बच कर भागना पड़े, तो उस टाइप की कार चाहिए कोई। ये काम तो मेरे किसी काम की नहीं आएगी भाई। जल्दी से लेके चलते हैं यार, ये तो यार टाइम भी तो बहुत लगा रही है। अगर इतनी देर में मेरी लैम्बो टायर वगैरह होती इतनी देर में तो मुझे घर पे पहुंचा देती और मैं दूसरा मिशन भी देखने चल जाता इतनी देर में। तो भाई एक काम करते हैं, हम जल्दी से अपने घर पे हम पहुंचने वाले, क्योंकि पार्क आ चुका है, पार्क के थोड़ी सी आगे जाके ये हमारा घर, तो हम पहुंचने वाले हैं बस यहाँ पे आगे थोड़ी सी ऊपर ढलान से चल के। यही है ना मेरा घर भाई, शायद हैकर भी हमारे घर पे ही रुक रखी है अभी तक। हाँ भाई वो हमारा ही वेट कर रही थी। आगे भाई हम आगे यहीं पे खड़े कर देते हैं, इतना है कर अपन ये वाली कार देख लेगी कि ये वाली कार वही है क्या। तो भाई मेरी इससे बात हो चुकी है, ये कह रही है कि मैं अपने घर चलती हूँ, तुम ये कार तो ये वाली है और तुम जल्दी से फ्रेश वगैरह हो जाओ, फिर अपना कोई दूसरा कोई मिशन देख कर लेना। तो भाई मैंने जिम को कह दिया ये वाली कार जो ये नीले वाली कार थी ये वाली मॉडिफाई करवा लेगा भाई। उसने ये, अरे यार कलर भी चेंज करवा दिया, तो चलो कोई नहीं, उसने कलर चेंज करवा दिया। जल्दी से चलते हैं अब दूसरा वाला मिशन देखने। मिशन क्या, वो वाली कार ही देखेंगे पहले भाई। ये वाला बंगला है वो भाई। एक बंदा तो यहीं पे चढ़ रखा है, मतलब सिक्योरिटी करने के लिए ऊपर चढ़ा रखा है। हैवी राइफल है भाई उसके पास। तो एक काम करते हैं जल्दी चलते हैं, कोई कंडीशन वगैरह देखते हैं। ये कार किसकी खड़ी है यहाँ पे, ये तो सेम मेरी जैसी कार है, इन्हीं फर्क अलग है।
भाई जल्दी एक काम करते हैं, अपनी कार के कवर लेके शूट करते हैं भाई। लोग बंदे तो बहुत सारे हैं यार, क्या करें क्या करें भाई। एक काम करते हैं, अपनी स्नाइपर निकाल के एक बार देखते हैं। नहीं स्नाइपर से नहीं यार, स्नाइपर से एक बंदा मरेगा बस। चल हटा, एक नॉक। मर भाई मर मर, गोली पड़ रही है यार, गोली पड़ रही है। मतलब कार कार पे सही वो नहीं लगा जा रहा है, फिर भी यार गोली लग रही है। कवर सही नहीं मिल रहा, मतलब कार कार का कवर सही नहीं मिल रहा। तो भी मत तो नोक नोको नोको हो गया भाई, एक और नोक हो गया भाई। वो घर वाले भी भाग रहे हैं दूर। मर जा मर जा, चल मर जा मर, खत्म। एक और खत्म, तो भी खत्म हो भाई, तो भी खत्म हो। चल मर जा जल्दी से। एक और गया भाई, ये भी गया। अब आगे चलते हैं जल्दी से, अपने कौन कार देखनी है भाई। मैं तो पहले कौन सी कार है तो भाई भाई भाई, तो भी मैं ख़त्म हो गया भाई। इन्होंने शायद पुलिस वालों को कॉल कर दिया है। पुलिस वाले भी आ गए यार, पुलिस वाले भी आ गए। अरे भाई साहब जल्दी से भगाओ यार, पुलिस वाले भी आ गए। एक नॉक, ये कौन सी कार है? और भाई साहब जी वैगन भाई, ये कार तो मैं रखूँगा अपने पास। जल्दी से भगा, तो भी मत, तू कहाँ जा रहा है भाग के भाई साहब जी वैगन। भाई यार पुलिस कितनी सारी गोली मार गई, भगाओ यार अपने कारों को, क्योंकि अगर इसमें ना जी वैगन तोड़ दी, गुस्सा आ जाएगा बहुत। अगर भाई जी वैगन इन्होंने तोड़ दी या ब्लास्ट कर दी, फिर ना छोड़ूँ मैं पुलिस वालों को, अंदर उनके कैबिन में जा जा के मारूंगा भाई। जल्दी से लेके चलते हैं। एक काम करते हैं, अपने उस दोस्त के पास लेके चलते हैं जो हमारा वो, मतलब जिसका हम काम करते थे बहुत सारा, तो वो कहीं ना कहीं तो हेल्प करेगा ही यार। अपनी हमारी ये वाली कार बचा के रख लेगा अपने पास। मतलब उसके घर पे ना, मतलब पुलिस वाली, पुलिस भी जाने से डरती है, उसका इतना गंदा खौफ है। तो जल्दी से उसके ऊपर हेलीकॉप्टर वगैरह मिल जाए यार, ये शायद कार ना फोड़ दें यार। मेरी कार बहुत ज़्यादा हुआ है, एक तो इतनी मुश्किल से वो गरीब भाई से। जल्दी से भाई पहुंच गए हम अपने घर पे ये भी। अरे भाई 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 यार, इसके एक तो उसका घर भी है इतनी ऊपर है, यहाँ पर तो छुटाते हुए डर लगता है। जल्दी से राम राम से लेके चलते हैं, राम राम से लेके चलते हैं, राम से लेके चलते हैं भाई 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 बच गए यार। पुलिस वालों को डर भी लगते हैं तो। अबे अबे बच भाई, बच भाई, बच भाई, बच। अरे यार भाई ये क्या हो गया यार, आगे का बोनट भी टूट गया इसका, तो पीछे भी शायद स्क्रैच वगैरह आ गया। आगे जाके देखते हैं पुलिस, अब तो पुलिस वगैरह पीछे जरूर पड़ेगी यार, क्योंकि मैं नीचे आ चुका हूँ, नीचे तो देखेंगे वो भाई। ऑफ रोडिंग तो भाई एक नंबर कर रही है, पर एक बात है। अरे भाई हेलीकॉप्टर वगैरह लेके कहाँ भाई, मारोगे क्या भाई, थोड़ी खाली ब्लास्ट करोगे क्या मेरी भाई। बच जाओ यार, करके लेना पड़ेगा जल्दी से यार, क्या करो भाई। अरे भाई भाई रहने दे भाई, इतनी ब्लास्ट ना कर, मेरी कार बचा ले भाई। भाई कंट्रोल से बाहर हो रही है कार तो भाई जान। अरे नहीं यार भाई, यहाँ से निकलने का भी ऑप्शन नहीं बच रहा। एक तो उसने घर इतनी बेकार जगह बना रखा, बना बैग 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 भाई बैग। चल 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 चल, झाड़ी में बदल गई यार। यार की जगह घर बना रखा अपना, घर में तो ढंग की जगह बना सकता था, पहाड़ों का घर बना रखा अपना। ये लो भाई, ये भी गई है, मेरे ऐसा लगा गई बिल्कुल। फंसगी वगैरह ना छुट्टेगी बिल्कुल, कचरा हो जाएगी। फंसगी 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 यार भाई, फंसगी कार फंसगी हमारी। बैंक बैंक भाई भाई, निकली 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 निकली, जल्दी से देखते हैं भाई। पुलिस वाले नीचे खड़े हैं, पुलिस वाले नीचे खड़े हैं, वो मतलब आगे जा ही नहीं सकते इसमें, अंदर जा ही नहीं पाते वो, मतलब अलाउ ही नहीं कर रखा उसने कि हमारे यहाँ पे आ तो। जल्दी से भाई इस बार बिल्कुल आराम आराम से लेके जाए जाएंगे। हेलीकॉप्टर वगैरह तो फायरिंग कर सकते हैं यार वो। चलो चलो आराम आराम से, आराम आराम से भाई इस बार आराम से लेके जाएंगे अपनी कार को। जल्दी चलते हैं तो भाई, जल्दी से पहुंच जाते हैं हम अपने इस पे वीला पे उसके भाई के। भाई यार ये वाला कट में सबसे बेकार लगता है, पूरे एकदम घुमानी पड़ती है कार। अभी भी 3 स्टार मतलब पीछे हैं, पर लेकिन उनमें इतना दम नहीं है जो वीला के अंदर आ जाए भाई। खौफ ही बंदे का इतना है यार,
उसको मतलब बहुत पावर चलती है, तो अंदर खड़े कर देते हैं इसको भाई। अंदर जाके एक बार उससे बात कर लेते हैं, मतलब बाहर जाके एक बार उससे बात कर लेते हैं कि भाई मैंने ऐसे ऐसे कार चुरा के तुम्हारे यहाँ गैराज में खड़ी कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। लेस्टर को फ़ोन करते हैं, लेस्टर से लेस्टर उससे बात कर लेगा कि ऐसे ऐसे कंडीशन हो गई थी। लेस्टर को भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि ऐसे ऐसे था भाई, मैंने कार चुराई थी तो कार ऐसे ऐसे खड़ी कर रहे हैं। तो भाई लेस्टर से मेरी बात हो चुकी है, लेस्टर कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना ही बंदा है, तुम चाहे वहाँ पे 10 कार चुरा के वो खड़ी कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो कह रहा है कि वो ऊपर ही मिलेगा तुम्हें, अंदर चले जाओ, सीढ़ी अंदर सीढ़ी आऊँगी, सीढ़िया के ऊपर चढ़ के वो वहीं पर मिल जाएगा तुम्हें। तो भाई देखते हैं सीढ़ियाँ कहाँ पे, शायद ये वाली है। अरे नहीं नहीं पीछे 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 घूमना पड़ेगा। बिल्कुल खड़ी सीढ़ी बना रखी है, मतलब जो दिखे भी ना बंदा के ऊपर से, एकदम आए और एकदम शूट कर दो। वाह भाई वाह, वो रहा बोरा बंदा बोरा भाई। ये मैप लेके खड़ा है शायद। भाई मेरी इससे बात हो चुकी है, ये कह रहा है कि जो तुमने विंटेज कार चुराई थी, वो मतलब जो हमने पुराने वाली कार चुराई थी ना, तो वो कह रहा है कि भाई मुझे वो वाली कार चाहिए। और अगर तुमने उसको क्रोम में, मतलब जैसे कि क्रोम होता है एक टाइप का, डायमंड टाइप में करवा दी, तो भाई मैं तुमको ये विला दे दूंगा और जो तुम कहोगे वो दे दूंगा तुम्हें। भाई साहब, तो यार वैसे भी मुझे वो वाली कार सेल करनी है, तो एक काम करते हैं, वो वाली कार क्रोम में करवा के इसको ही पकड़ा देते हैं। मैं करूँगा क्या, पर लेकिन यार क्रोम में करने के लिए पैसे भी तो बहुत चाहिए मेरे पे, तो मुश्किल से 50 से 60 हज़ार रुपये पड़े हैं। 50 से 60 हज़ार रुपये में तो कम होगा नहीं। भाई इसने कहा है कि चलो मैं नीचे वो करवा देता हूँ बाइक खड़ी, तो तुम जाके उसके विंटेज कार को वो करवा दो, क्रोम में करवा दो। देखते हैं भाई, उसने नीचे कोई बाइक वगैरह निकाली है हमारे लिए, वहाँ पर जाके देखते हैं कि कौन सी बाइक निकाली है। भाई टाइगर लाइन देख रहे हो, लाइन लाइन भाई साहब, यहाँ तो अगर कोई बंदा रात को नीचे गलती से गिर भी जाए इस पे रैंप पे, तो उतर लाइन खा जाएगा। मतलब इसलिए डिजाइन कर रखा है ऐसे नहीं वाला घर। भाई ये वाली अपनी बाइक है, तो इसको जल्दी से लेके चलते हैं अपने घर पे। एक काम करेंगे, बैनी अपना भाई है, बैनी से बात कर लेंगे कि भाई बैनी ऐसे ऐसे काम है, तो बैनी से बात कर लेंगे। बैनी से पूछेंगे कि भाई कितना खर्चा आ जाएगा, बैनी शायद कम में ही करवा दे वो वाला खर्चा हमारा। डायमंड यार, डायमंड बहुत महंगा पड़ेगा, हमारे पास 50 हज़ार ही है यार। एक काम करेंगे, अपनी कोई कार वगैरह बेच देंगे, गिरवी वगैरह रख देंगे किस पे। जल्दी से चलते हैं। भाई मैं सोच रहा हूँ उसको क्रोम में करवा गया ना, तो मतलब जैसे कि ये हमारा विला है ना, तो ये विला अपने नाम करवा देंगे उससे बात करके कि भाई विला अपने नाम, वो कहता है ना जैसे कि विला जो ये वाला विला है ये तुम्हारे नाम हो जाएगा, और फिर हम विला बेच के कोई गैराज वगैरह खोल लेंगे अपना बड़ा सा नया। एक काम करते हैं, जल्दी से अपने घर पर चलते हैं, फिर बैनी से बात करके बैनी से लोकेशन पूछ लेंगे कि भाई कहाँ पर आना है, क्या करना है, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। बैनी कितना खर्चा बताता है कि कितना डायमंड वगैरह लगने हैं, तो खर्चा तो बहुत बढ़िया आएगा। तो एक काम करते हैं, जल्दी से लेके चलते हैं अपने घर पे। हमारा घर आने वाला है भाई, जल्दी से चलो। विंटेज कार यार, मैं इतनी खास नहीं लग रही वो कार, वरना मैं रख लेता, क्योंकि मुझे चाहिए रेसिंग कार, रेसिंग वगैरह चाहिए, एसयूवी वगैरह चाहिए। ये रही हमारी वो वाली कार। बाइक को इंडिकेट करते हैं, बाइक को कह रहे थे कि मेरा कोई बंदा आएगा वो लेके चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, तुम्हें भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद आके खुद ले जाएगा। तो जल्दी से इसको लेके चलते हैं बैनी के पास। बैनी कह रहा है कि मुझे पार्क के पास आके मिलो, मैं वहीं पे आ जाऊँगा। जल्दी से चलते हैं भाई, पार्क भी नहीं है, मतलब 4 साइडेड रोड है, वहाँ पे लेके चलते हैं। चलते हैं जल्दी से अपने उस घर पे। यहाँ पे आएगा बैनी, यहीं पे रोक लेते हैं, और बैनी से पूछते हैं कि भाई क्रोम कराने में कितने पैसे लगेंगे, क्या कॉस्ट आएगी, कितना मतलब कितना खर्चा वगैरह जाएगा।
फिर देखते हैं कि क्या अपना करवाना भी है या विला को छोड़, विला वगैरह को छोड़ देते हैं। भाई बैनी कहाँ है? बैनी भाई आ जा यार जल्दी से। भाई इस कार के पास ना लगे फिलहाल, ये बेच बिकेगी। और बैनी बैनी आ रहा है, राम राम से आ रहा है। आ जा भाई यार जल्दी आ जा। एक तो मोटा इतना है, बॉडी बॉडी वगैरह बना के आराम आराम चल रहा ढीला। भाई बैनी कह रहा है कि इस कार को, मतलब इस कार को रैप करवाने, डायमंड में रैप करवाने के लिए तुम्हें अपनी लैम्बो टायर जो देनी पड़ेगी। भाई लैम्बो टायर जो, यार सोचना पड़ेगा कि लैम्बो टायर जो दूँ या ना दूँ। यार इस कार को रैप कराने के लिए लैम्बो टायर जो भाई बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, बैनी कह रहा है अगर तुम्हें करवाना होगा तो पार्क पे ले आना अपनी ये वाली कार और लैम्बो टायर जो दोनों। तो यार चलो एक काम करते हैं, फिलहाल चेंज ही करवा देते हैं क्योंकि मुझे इस कार को यूज़ करना नहीं। और मैं उस, वो कह रहे थे कि जब मेरी, मुझे मुँह मांगी कीमत मिल जाएगी तो हम उससे बदले में एक विला और लैम्बो टायर जो ले लेंगे। विला तो वो कह रहे थे कि मैं वो वाला ही विला तुम्हें दे दूंगा, कि ये वाला विला तुम रख लो और फिर लैम्बो टायर जो भी ले लेंगे उस पैसे की। लैम्बो टायर जो दे दे भाई हमें, जल्दी से अपने घर पे चलते हैं। और लैम्बो टायर जो हमें लेने लेके जाना पड़ेगा, लैम्बो टायर जो हमारी हैकर के पास है तो हमें हैकर पे जाना पड़ेगा। भाई वो अभी तक अपनी बाइक नहीं ले गया भाई, यार भाई ले जा अपनी बाइक, हम क्या करेंगे चलेगा। तो भाई जल्दी से चलते हैं, अपनी पूरी कार बाइक वगैरह में लोड हैं। गन वगैरह तो हमारे पास सारी है, गन वगैरह की हमें कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से अपनी हैकर के पास चलते हैं, हैकर से बात करते हैं कि हमारी लैम्बो वगैरह दे दे भाई, हमें चलना है फिर। भाई अभी तक ही नहीं, मतलब इन्होंने इसकी लाश अभी तक नहीं उठाई। आगे जाके देखते हैं, और भी तो बंदे मारे थे हमने। एक वो पड़ा मारा साले, और मार। अरे एक गार्डनर डर गई कि ये क्या हो रहा है। जल्दी से चलते हैं भाई उस घर में, अपने हैकर के घर में, हैकर का घर। तो भाई लैम्बो टायर जो हमारे सामने खड़ी है, हैकर भी हमारे सामने खड़ी है। हैकर से बात करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, सीधा अपने लैम्बो टायर जो उठाओ और निकल जाओ। उठाते हैं और निकलते हैं अपनी लैम्बो टायर जो लेके, आराम से चलो। भाई लैम्बो टायर जो मैं सोच रहा हूँ सीधा बैनी के पास ही पकड़ा देते हैं, या पहले घर लेके चलते हैं, बैनी से बात करेंगे फिर उसके बाद बैनी के पास छोड़ देंगे। बैनी कह रहा है कि मैं तुम्हें सीधा अपने घर पे ला के रख दूँ, मतलब जैसे कि जो क्रोम करवाएंगे तो वो सीधा हमारे घर पे पहुँचा देगा मैं वो कार। जल्दी से वो वाली कार भी निकालते हैं, देखते हैं पहले कहाँ है वो खड़ी। बैनी से बात कर लेते हैं कि बैनी भाई हम लेके आ रहे हैं। लेस्टर से पूछते हैं कि लेस्टर भाई ऐसी ऐसी बात है कि हम विला ले, वो टायर्सों के बारे में पूछ रहे थे कि हम भाई टायर्सों दे देंगे लेंगे मतलब उस पे से। भाई मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है, लेस्टर कह रहा है कि कोई बात नहीं तुम टायर्सों ले लो, जो तुम्हारा मन करे वो वाली कार लेना। वो कह रहा है कि उस पर बहुत पैसा है टायर्सो, तो तुम एक क्या तुम दो ले लोगे, पर लेकिन हमें दो तीन का कोई जरूरत नहीं है, हमें सिंगल चाहिए क्योंकि हम अपनी देंगे एक और टायर्सों लेने तो कोई वो नहीं है। और वैसे भी हमें वो वाला विला बेचेंगे हम, उस विले का करेंगे भी क्या, हम उस विले को बेच के हम गैराज वगैरह ले लेंगे। गैराज लेके मज़ा आएगा भाई, गैराज में घूमने के, गैराज मतलब गैराज में अपने सामान रखेंगे या सीट्स वगैरह बनाएंगे, गैराज में अपना कार वगैरह ले गए करेंगे कि कार वगैरह फिर बेच देख रही हैं तो कुछ तो प्रॉफिट होया करेगा, क्योंकि 50-60 हज़ार रुपये में अपना घर तो चलने वाला नहीं आज के टाइम में। भाई बैनी कहाँ है यार, बैनी आ जा भाई, बैनी आ जाएगा तो इतना एक काम करते हैं दूसरी भी कार लेके आते हैं, इतना में बैनी शायद आ जाए। बैनी ने कहा तो था कि मैं आ जाऊँगा, टाइम से आ जाऊँगा मैं। जल्दी से दूसरी कार बिठाते हैं,
Honey, I'm home. कार को उठा के लेके चलते हैं जल्दी से। चलो भाई मोड़ लेंगे। चलो भाई जल्दी से लेके चलते हैं इसको पार्क के पास। इसको छोड़ देंगे, पार्क शायद पीछे चलेगा। हाँ पीछे चलेगा भाई, पार्क पीछे चलेगा, पीछे मोड़नी पड़ेगी। एक तो एक वाड़ी इतनी है, एकदम जंप मारती है तो एकदम सीधा आगे पहुँचा देती है। तो भाई बैनी के पास चलते हैं, बैनी से बात करते हैं कि भाई ये दोनों कार, बैनी मतलब फ़ोन पे बात कर रहा है कि वो मतलब उठाने वगैरह लेके आएंगे कोई कार वगैरह, टॉय ट्रक वगैरह लेके आएंगे, उससे उठा के ले जाएगा। तो कोई नहीं भाई, तू ले जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तू कल तक, वो ये कह रहा है कि कल तक मैं तुम्हारे घर पर ला के रख दूँगा, मैं कोई दिक्कत नहीं है भाई, कल ला चाहे परसों ला, तू मर हट, बीच मार दिए रास्ते में। अब जल्दी से घर पे चलते हैं, वगैरह कि कल को सुबह के टाइम ही तुम्हें एकदम मिल जाएगी। तो हम जाके, अब बहुत रात होने वाली है तो मतलब घर पे जाके आराम करेंगे। तो कल को, अब सीधा कल को, बहुत काम कर लिया आज। हम घर में घर में पढ़ के सोएंगे, फिर मिलते हैं कल को। तो भाई चलते हैं, चलो भाई ठीक है भाई, अब हम चलते हैं सोने, कल को मिलते हैं। चलो भाई अब देखते हैं कि लैम्बो टायर जो अपनी वहाँ की कार नहीं आ गई भाई साहब, एक नंबर भाई, क्रोम अलग ही लगती है यार। मैंने अपनी जो दूसरे वाली कार वो करवा रखी है क्रोम में, वो वाली भी एक नंबर कार लगती है। चलो भाई इसको जल्दी से डिलीवरी कर देते हैं इसकी। तो भाई मैं डिलीवरी कर देता हूँ, तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो और सपोर्ट दो भाई यार।